जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, सर्बियन डांसर ने कैसे शैला के पति और वकील रॉबर्ट को खत्म कर दिया था। सर्बियन लेडी अब अपने अगले शिकार की खोज में देर रात तक नाचा करती थी और जो भी उसके करीब बिना बताए या चुपके से जाता वो उसे मार दिया करती थी। दूसरी तरफ शैला के अंकल यानी शैला के दोनों गुंडे मामा सर्बिया में ऐश की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें ये कहां पता था कि शैला के मुंह पर खून लग चुका है और उसकी भूख बहुत तेज बढ़ चुकी है। शीला के बॉयफ्रेंड को मारना हम पर और पूरे शहर पर कितना भारी पड़ रहा है। सिर्फ शीला के बॉयफ्रेंड को ही नहीं, मैंने उस रात शीला को ही मार दिया था। उस रात हुआ ये था कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस छिछोरे के साथ मत घूमो। पूरे सर्बिया में तुमने हमारे गांव का नाम डुबा दिया है। आप बिना नॉक किए हुए कैसे आ गए? अपनी औकात भूल रहे हैं आप? मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा करने के लिए इतना सब कुछ किया है ना? जैसे ही शैला ने इतना कहा, उसके अंकल ने शैला को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आपकी इतनी हिम्मत, क्या आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं? तुम्हें तो मैं, आज या तो तुम रहोगे या तो मैं। शैला के अंकल ने शैला का गला पकड़कर उसे उठा लिया और उसे तड़पा तड़पा कर मारने लगा। मेरा गला छोड़ो। लेकिन उसने शैला की एक बात भी नहीं सुनी और उसे दर्दनाक मौत दे दी। फिर वो दीवार पर लटकी हुई कैसे मिली? मैंने ही आत्महत्या करार करवा दिया और क्या। उस वकील ने मेरी इसमें मदद की लेकिन उसकी मौत हो गई। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में तो पहले ही मिल चुका था और तो और सारी प्रॉपर्टीज भी उसी के नाम थी। ये हुई ना बात, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। उस लड़के की क्या औकात जो हमसे टकराए। जो भी हमसे टकराएगा उसे हम तबाह कर देंगे। ये भी कोई कहने की बात है, हम उसे देख लेंगे, जैसा भी होना है वैसा। और रही बात शीला के बिके हुए घरों की, तो उस पर भी हम कब्जा कर लेंगे। शैला और जॉर्डी की मृत्यु के बाद जॉर्डी का बड़ा भाई निकोलस अपने छोटे भाई के हत्यारों यानी शैला के मामा की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करवाता है। मेरे ब्रदर को मार दिया गया है, पुलिस कंप्लेन किए हुए कितने दिन हो गए और आप सब हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जरूर कोई चोरी की होगी और किसी ने मार दिया होगा। सर्बिया में चोरों का कत्ल करना अब आम हो चुका है। मैं फिर भी किसी न किसी को ढूंढता हूँ। निकोलस और अंग्रेज पुलिस दोनों बात कर ही रहे थे कि पुलिस स्टेशन के नीचे एक लड़की उन्हें नाचते हुए दिखी। ये जरूर हमसे कुछ चाहती है, इसलिए इतनी रात नाच रही है। चलो चलकर देखते हैं। आप जाइए, वहाँ मेरा क्या काम, मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। वो पुलिस वाला सीढ़ियों से उतरकर उस लड़की के पास चला गया जहाँ वो अकेले रात के अंधेरे में नाच रही थी। जैसे ही वो उसके करीब पहुँचा, उसने देखा कि शैला एक बेहद खूबसूरत लड़की है और वो सड़क के स्ट्रीट लाइट के नीचे नाच रही है। कितनी खूबसूरत माल है, इतनी रात को लगता है ये मेरी ही तलाश में है, जाकर देखता हूँ। वो पुलिस वाला शैला की खूबसूरती को देखकर दंग रह गया और उसके करीब चला गया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, शैला की आंखें एकदम से लाल हो गईं, उसके नाखून एकदम से पैने हो गए। शैला ने उस पुलिस वाले की गर्दन पकड़ ली और उसे अपने दांतों से नोचने लगी। उस पुलिस वाले की चीखें पूरे गाँव में गूंजने लगी और उसे मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही निकोलस ने उस पुलिस वाले की चीखें सुनी, वो नीचे जाकर देखने लगा। ये तो उसी पुलिस वाले की आवाज है। जैसे ही निकोलस वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि शैला उस पुलिस वाले की लाश के सामने नाच रही है। शीला, शीला, मैं निकोलस, जॉर्डी का बड़ा भाई। तुम जिंदा हो? मुझे तो ये खबर मिली थी कि तुमने सुसाइड कर लिया था। निकोलस के शैला के करीब जाते ही शैला का डरावना चेहरा रोने लगा और शैला के आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो बता दो।
निकोलस के इतना कहते ही शैला की आत्मा निकोलस के अंदर चली गई। निकोलस उसकी आत्मा की शक्ति को झेल नहीं पा रहा था। निकोलस अपने शरीर में कई सारे परिवर्तन महसूस करने लगा। उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा एकदम से नीला पड़ गया। शैला की आत्मा निकोलस के शरीर में आ चुकी थी। मैं अपना बदला जरूर लूंगी, उन दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें मार डालूंगी। निकोलस वहां से शैला के अंकल यानी शैला के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि शैला के दोनों गुंडे मामा यानी कि उसके दोनों अंकल आराम से सो रहे थे। निकोलस वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। इतनी रात गए कौन हो सकता है, हमारे घर कौन आया? मैं देखता हूँ, दारू भी नहीं पीने देते ये लोग। जैसे ही उस गुंडे ने दरवाजा खोला, निकोलस ने उनसे कहा, ये मेरे भाई की तस्वीर है, क्या आपने इसे देखा है? दिखाओ तो। निकोलस के हाथ से तस्वीर शैला के मामा ने ले ली और उस तस्वीर को देखते ही वो समझ गया कि वो वही लड़का है जिसके साथ भी उन्होंने बुरा किया था। क्या सोच रहे हैं आप, बताइए ना। नहीं नहीं, हम नहीं जानते इसे। तुम्हें हमारा पता किसने दिया? तुम नहीं जानते, नहीं जानते तुम। इतना कहते ही निकोलस हवा में उड़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई। निकोलस ने ना आओ देखा ना ताओ, उसने उसी घर पर रखी हुई एक बड़ी सी छतरी ली और उस छतरी को शैला के मामा के मुंह में घुसा दी और उस गुंडे मामा की चीख हर जगह गूंजने लगी। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया, उसे क्यों मार दिया, तुम कौन हो बताओ? मैंने और जॉर्डी ने आपका क्या बिगाड़ा था, हम बस एक दूसरे से प्यार ही तो करते थे, लेकिन पैसे और प्रॉपर्टी की लालच में आप दोनों ने हमें मार दिया। शीला। निकोलस ने उस गुंडे की एक ना सुनी और उसे उठाकर घर की छत पर ले गया और घर की छत से उसे जमीन की तरफ उल्टा लटका दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। बिना कुछ सुने ही निकोलस ने उसे उसकी घर के टेरेस से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। चारों तरफ बस एक ही बात की अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकलकर देखने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि निकोलस उस लाश के सामने डांस कर रहा है, सब डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो गए। तब से लेकर आज तक जब भी कोई शैला को रोड या सोसाइटी में डांस करते हुए देखता है, डर के मारे वहां से भाग जाता है। और आज भी वो सर्बियन लेडी डांस करती हुई सबको हर जगह नजर आती है।